गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर से एक बार मैं आपके साथ हूँ और हम लोग आज अपना फिर से साइंस क्लास स्टार्ट करेंगे। और हमने कल चैप्टर टू स्टार्ट किया था, यूजेस ऑफ प्लांट्स, जिसमें हमने प्लांट्स के यूजेस पढ़े थे, क्या क्या उनका इस्तेमाल होता है, कैसे प्लांट्स हमें हेल्प करता है वो पढ़े थे। जिसमें हमारा टॉपिक जो डील हुआ था वो हुआ था कि प्लांट्स हम लोगों को फूड देता है, और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट हम लोग पढ़े थे कि वेजिटेबल्स हम लोग यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं, जैसे कि रूट थे, स्टेम थे, लीव्स थे, फ्रूट्स थे और फ्लावर्स थे। फिर हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था कि फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सभी हम लोगों को प्लांट से ही मिलते हैं और हम लोग उसको खाते हैं, और वो बहुत ही स्वीट और जूसी होते हैं, मीठे होते हैं और रसीले होते हैं। और उसके बाद हमने सीरियल्स और पल्सेस के बारे में भी जाना था कि जो दाने हम लोग खाते हैं जो सीड्स के रूप में होते हैं, प्लांट के वो पार्ट्स जो सीड्स के रूप में होते हैं और हम लोग उसको खाते हैं, उसको हम लोग पढ़े थे। साथ ही हमने दाल के बारे में पढ़ा था कि दाल भी हम लोगों को पेड़ से ही मिलता है, जैसे कि मसूर का, अरहर का, मूँग का, ये सारे दाल हमने पढ़े थे जो कि हम लोग अपने खाने में खाते हैं, वो भी हम लोग को प्लांट से मिलता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो है वो हम लोगों को और भी ज़रूरत की चीज़ें देता है खाने पीने की चीज़ों के अलावा। तो उन चीज़ों में पहला हमारे पास वुड है। वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। आप सभी को पता है कि प्लांट्स से हम लोगों को लकड़ी भी मिलता है। उस लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे फर्नीचर बनाने में करते हैं, यानी कि आपके घर में आपने पलंग देखा होगा, कुर्सी देखी होगी लकड़ी की, टेबल देखा होगा, दरवाज़ा देखा होगा, ये सभी किस चीज़ से बने होते हैं? लकड़ी से। और ये लकड़ी कहाँ से आती है? ये लकड़ी हमें प्लांट्स से मिलती है। और किन पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे शीशम, साल, वॉलनट, पाइन, टीक, ये सब जो पेड़ हैं इन सब की लकड़ियों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इन सब फर्नीचर को बनाने के लिए। ठीक है, तो वुड का इस्तेमाल आप समझ गए किस लिए किया जाता है? बेड बनाने के लिए, चेयर, टेबल, डोर्स, विंडोज, बोर्ड्स, ये सब बनाने के लिए करते हैं। और वुड का इस्तेमाल इन फर्नीचर के बनाने के अलावा खाना बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब आप गांव वगैरह में जाएंगे तो आप देखते होंगे कि लकड़ी पर खाना बनाया जाता है, यानी उसमें एक मिट्टी का चूल्हा होता है और उसमें लकड़ी जला दी जाती है और उस पर खाना भी बनाया जाता है। तो वो एक तरीके से ईंधन के रूप में यानी फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास मेडिसिन्स है। मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ। कुछ प्लांट्स जैसे कि नीम, तुलसी, पुदीना, यूकेलिप्टस, आंवला, ये सारे पौधे जो होते हैं इनसे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, और इन प्लांट्स को हम लोग मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। चूँकि इनसे मेडिसिन्स बनाए जाते हैं इसलिए इनको हम लोग एक नाम से बुलाते हैं, वो नाम है मेडिसिनल प्लांट्स। आप देखे होंगे ना, जब आपका कभी कभी आपको पेट दर्द होता है तो आपके घर में लोग आपको क्या देते हैं? पुदीन हरा एक टैबलेट आता है। वो पुदीन हरा किससे बना होता है? वो पुदीना से बना हुआ होता है। और वो पुदीना कैसे मिलता है हम लोग को? प्लांट से मिलता है। तो ये एक तरह से मेडिसिनल प्लांट है। जब आपको खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, तो मम्मी आपको काढ़ा बना के देती होंगी, तुलसी का काढ़ा, है ना, तो वो भी एक दवा के रूप में काम करता है। साथ में आंवला भी बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए, हमारे आँख की रोशनी बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी को फ्रेश रखने में भी हेल्प करता है। फिर हम लोगों के पास एक और पॉइंट है, परफ्यूम, सोप्स एंड टूथपेस्ट। जो परफ्यूम आप लगाते हो, जब आपको पार्टी में जाना होता है या कभी भी घूमने जा रहे होते हो तो आप जो है परफ्यूम लगाते हो ना, परफ्यूम से क्या होता है, आपका जो है बहुत अच्छा बॉडी स्मेल करने लग जाता है। सोप जिसे आप जब नहाने जाते हो तो आप सोप का यूज़ करते हो, जब सुबह में ब्रश करते हो तो टूथपेस्ट का यूज़ करते हो, और ये सारा चीज़ भी हम लोगों को कहाँ से मिलता है? प्लांट से। जैसे परफ्यूम हम लोगों को किससे मिलता है? जो फूल होते हैं प्लांट्स में, जैसे जैस्मीन, रोज़, लिली, इन सब के फ्लावर से परफ्यूम बनाया जाता है। सोप और टूथपेस्ट हम लोगों को प्लांट्स के जो ऑयल होते हैं ना, प्लांट्स में तेल भी पाया जाता है, ठीक है, उनसे हम लोगों को मिलता है। साथ ही नीम, कोकोनट और क्लोव। नीम तो आप सभी लोग जानते हैं, कोकोनट का मतलब नारियल होता है और क्लोव्स का मतलब लौंग होता है। इन सब की मदद से टूथपेस्ट बनाया जाता है और सोप बनाया जाता है। नॉलेज डेस्क में देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है कि हम लोगों को सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी का परफ्यूम किससे मिलता है? चंदन के पेड़ से मिलता है।
सैंडलवुड परफ्यूम हम लोगों को सैंडलवुड ट्री से मिलता है। फिर हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे ऑयल, ऑयल भी हम लोगों को किससे मिलता है, प्लांट से, जैसे कि सरसों का, सनफ्लावर का, सूर्यमुखी जिसको कहते हैं, कोकोनट यानी नारियल हो गया, इन सभी के पेड़ से हम लोगों को तेल मिलता है। और इन प्लांट्स का तेल जो है वो खाना बनाने के लिए भी किया जाता है, साथ में आप अपने बॉडी में भी उसको यूज़ करते हैं। मस्टर्ड और कोकोनट ऑयल जो होता है वो हमारे हेयर में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है हमारे पास फाइबर्स। फाइबर्स क्या होता है, हम लोगों को फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट, ये हम लोगों को प्लांट से मिलता है। कॉटन फाइबर का इस्तेमाल कॉटन के कपड़े बनाने के लिए और जूट फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादातर बैग बनाने के लिए, चटाई बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए और बोरी बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है रबर, गम एंड पेपर। इन सब चीज़ों के अलावा प्लांट से ही हम लोगों को, जैसे एक रबर प्लांट होता है, ठीक है, वो कैसे मिलता है, उससे हम लोगों को एक जूस ऑब्टेन होता है जिसका नाम होता है लेटेक्स। रबर के पेड़ से निकलने वाला एक जूस होता है जिसको हम लोग लेटेक्स के नाम से जानते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है हम लोग टायर, ट्यूब और इरेजर, जिसे आप इरेज करते हो ना, वो बनाने के लिए किया जाता है। और हम लोगों को गम जो है एकाकिया यानी बबूल का पेड़ से भी मिलता है। और ये गम का इस्तेमाल जनरली हम लोग ग्लू बनाने के लिए करते हैं, जिसका इस्तेमाल आप जब ड्राइंग करते हैं या कोई भी चीज़ चिपकाना होता है तो उसमें किया जाता है, ठीक है। और हम लोगों को प्लांट से पेपर भी मिलता है, जैसे बैम्बू प्लांट और पाइन प्लांट, इन प्लांट की मदद से, इन प्लांट के पल्प से जो है हम लोग पेपर भी बनाते हैं। टी, कॉफ़ी, कोको एंड शुगर, ये भी हम लोग को प्लांट से ही मिलता है। जो चाय आप पीते हैं, जो कॉफ़ी पीते हैं, कोको और जो शुगर आप खाते हो, वो भी जो है हम लोगों को किससे मिलता है, प्लांट से। टी हम लोगों को टी प्लांट के लीफ से मिलता है, कॉफ़ी हम लोगों को कॉफ़ी प्लांट्स की बीज से मिलता है, कोको हम लोगों को कोको प्लांट के सीड्स से मिलता है, और शुगर हम लोगों को शुगर केन का पेड़ आपने देखा होगा, उसके जूस से मिलता है। फिर हमारे पास एक पॉइंट है स्पाइसेस, जो मसाला आपकी मम्मी आपके खाने में डालती है ना, वो भी हम लोगों को कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। जैसे कि इलायची, जैसे कि गोल मिर्च, जैसे कि आपका लौंग, ये सारा चीज़ जो आ जाता है आपका, ये सब किस में आ जाता है, आपके स्पाइसेस में। और स्पाइसेस हमारे फूड में फ्लेवर ऐड करता है, यानी उसमें टेस्ट को बढ़ाता है। प्लांट्स के और भी यूज़ होते हैं और उन यूज़र्स को आज हम लोग फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं, और भी क्या इसके अलावा यूज़र्स हैं। प्लांट्स जो है वो बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स का घर होता है। प्लांट्स जो है एयर को बहुत ही फ्रेश और साफ रखता है, साथ ही साथ वो हमारे वर्ल्ड को खूबसूरत भी बनाता है। हम लोग फ्लावर्स और लीव्स, कुछ प्लांट के लीव्स और कुछ प्लांट के फ्लावर्स का इस्तेमाल बुके बनाने के लिए करते हैं। जब आप पार्टी में जाते हैं तो बुके लेके कभी कभी जाते हैं ना, जिसमें फूलों का गुच्छा होता है। और साथ ही हम अपने घर को सजाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम लोग फ्लावर्स का इस्तेमाल फूल की माला बनाने के लिए भी करते हैं, साथ ही भगवान पे भी उनको चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से प्लांट्स हम लोगों को और भी तरीके से मदद करता है। और यहाँ पे आके हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, और यहाँ एक चेक पॉइंट 2 दिया हुआ है, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा और फिर मैं आपको इसका आंसर्स बताऊंगी, समझाऊंगी प्रैक्टिस टाइम में। क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी, ये तीनों भी आप बनाने का कोशिश करेंगे, और फिर मैं आपके साथ आऊँगी अगले दिन और इस सबका आंसर्स मैच करवा दूँगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।